फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आज डोरी से इयररिंग्स बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने पिंक कलर के कुंदन लिए हैं, जिसे हम ग्लू के हेल्प से कपड़े के ऊपर चिपका देंगे। इस कपड़े के जगह पे आप वैक्स क्लिप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। के बाद हम सेकेंड लेयर के लिए यूज़ करने वाले हैं गोल्डन बॉल चेन। इसको हमने ग्लू लगा के लिया है। अब हम बॉल चेन को चिपका देंगे। नेक्स्ट लेयर के लिए हम यहाँ पे राइनोस्टोन की चेन का इस्तेमाल करेंगे और उसे भी सर्कल शेप में चिपका देंगे। यहाँ पे मैंने एक पिंक कलर की डोरी ली है, जिसे अब इयररिंग के साइड में हम एक डिज़ाइन बना के चिपका देंगे। इसके सेकंड लेयर के लिए यहाँ पे मैंने एक गोल्डन कलर की डोरी ली है, जिसे हम पिंक डोरी के साइड में चिपका लेंगे।
अब यहाँ पे मैं ड्रॉप शेप के कुंदन का इस्तेमाल करूँगी और इसे चिपकाने के लिए 27,000 ग्लू का इस्तेमाल करूँगी। नौवीं ईयरिंग को कुंदन लगाने के बाद इसे सूखने के लिए हम रख देंगे। सूखने के बाद हम सीजर की हेल्प से साइड का जो कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। दोनों ईयरिंग कट करने के बाद उसके बैक साइड में हम यहाँ पे गोल्डन आईपिन और बीड को स्टिक करने वाले हैं। सबसे पहले हम आईपिन को लेके आईपिन के अंदर जो हमने गोल्डन बीड ली है उसे डाल लेंगे और ईयरिंग के बैक साइड में ग्लू लगा के उसके ऊपर आईपिन को स्टिक कर लेंगे। ईयरिंग के बैक साइड में लगाने के लिए हम यहाँ पे गोल्डन कलर के स्टड का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम ग्लू के हेल्प से ईयरिंग के बैक साइड में चिपका देंगे। अच्छी तरह से सूखने के बाद हम यहाँ पे पिंक कलर के पेटल शेप का इस्तेमाल करेंगे। पकड़ की हेल्प से आईपिन का नीचे वाला जो लूप है उसे हम खोल लेंगे और उसके अंदर हमने जो भी पिंक कलर का पेटल लिया है उसे हम डाल लेंगे और आईपिन को अच्छी तरह से बंद कर देंगे। तरह से हमारे पिंक कलर के डोरी इयररिंग्स बनके रेडी हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और इसी तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये इयररिंग्स कैसे लगे। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।